Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way. What's up, everybody? This is Mishaz Bashraf and welcome to yet another vlog. और जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और पुराने व्लॉग से पता चल गया होगा आप लोगों को कि हम लोग आए हैं क्वेटा, और इस दफ़ा अब ये क्वेटा सीरीज़ है जिसमें हम लोग आप लोगों को डिफरेंट क्वेटा की जो मशहूर जगहें हैं, या मशहूर जगह नहीं तो अच्छा खाने के रेस्टोरेंट्स और जो जगहें हैं घूमने फिरने की वो दिखाएंगे। इस टाइम हम लोग आए हुए हैं तोगी रोड, और तोगी रोड में हम लोग आए हुए हैं अली क्या है ये ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर एक है शेराज सूप हाउस। ये इतना बड़ा कोई रेस्टोरेंट है नहीं, ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो लेकिन यहाँ पर जो सूप है, जो कि इसकी जो क्वांटिटी है और जो कि इसकी जायके हैं और जो इसकी प्राइस है, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम लोग आज यहाँ चलते हैं और यहाँ का जो सूप है वो टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। तो चले चलते हैं और देखते हैं इस होटल के जो माहौल है उसको, और जो यहाँ पर जिस तरह ये सूप बन रहा है उसको देखते हैं। ओके, तो ये हम लोग का बाउल रेडी हो गया है। ये उस्ताद जी आपका नाम क्या है? शिराज अहमद है सर। ओके, और ये आपके रेस्टोरेंट का क्या नाम है? शिराज सूप कॉर्नर हमारे रेस्टोरेंट का नाम है सर। ओके, हम लोग क्वेटा में 12 साल से जो है सूप लगा रहे हैं। हमारा सूप काफी जो है मशहूर सूप है क्वेटा का। ठीक, तो अभी जो अभी आपने ये बाउल तैयार किया है, ये इसकी क्या प्राइस है और ये कितनी क्वांटिटी में आपने दिया? सर ये 70 पीस का बाउल देते हैं हम लोग एक दाना। ठीक है, सिंगल अंडे वाला जो है 70 रुपए का और डबल अंडे वाला जो है 100 रुपए का बाउल है। सही है, तो अब हम लोगों ने ये जो बाउल लिया है इसको हम लोग ट्राई करते हैं, टेस्ट ट्राई करते हैं, और फिर हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि ये हमें कैसा लगा। ओके, तो फिर अब ये सूप हम लोग के पास आ चुका है आप लोगों को मैंने बनते हुए तो दिखा दिया, तो अब हम लोग इसको टेस्ट ट्राई कर देते हैं कि ये किस टाइप का सूप है, इसका टेस्ट कैसा है। तो ज़रा अगर हमारा कोई कैमरा मैन ही दिखा दे तो अच्छा अच्छा, ये देखें कि कितना रिच और इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें डली हैं। मतलब इसमें अंडा भी है, इसमें चिकन है, और इसमें ये कॉर्न भी पड़े हुए। तो ज़बरदस्त दिखने में तो इसका जो सीन है ये आउट क्लास है। अब टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें इसका जायका कैसा है, क्या इतनी तारीफें करने के लायक है या नहीं है, ये देखते हैं। भाई 80 रुपए गए, पक्की बात है जी भाई। ये अगर बिल ने इसने हम लोग को 500 का ठोका, बिल के टाइम भी मैं आपको बंदे से मिला लूंगा, आप पूछ लेना उससे। यार इसका रेट 80 रुपए है, ये बाउल का साइज देख रहे हो, ये मेरे मुंह जितना बाउल है इसका ठीक है, 80 रुपए का है, बेइंतहा इसका जबरदस्त जायका है। और इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? इस मतलब रेस्टोरेंट तो नहीं, छोटा सी जगह खोली भी इन्होंने, और इसका नाम लोग बताएंगे। इसकी कहानी बेसिकली जो है वो ये है कि एक आंटी आती थी यहाँ पर, इन्होंने एक स्टॉल लगाया था, और वो जो है इन्होंने यहाँ पर जो है आके एक देगची में सूप लेकर आती थी। वो इतना बिकना शुरू हुआ कि अभी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दुकान जो है वो रेंट पे लिए। तो चले मैं ज़रा इसको एक बार और ज़रा एक बार ट्राई करूँ, क्योंकि भाई कहाँ गया। ओके जी, तो हम लोग आए हुए हैं फुरकान सी कबाब हाउस में, और हमारे साथ हमारे भाई खड़े, कौन क्या नाम है? फहद नाम है, जो यहाँ काम करते हैं। तो फहद, आप लोग क्या क्या चीज़ें सेल करते हैं और क्या प्राइसेस क्या हैं आप लोग, क्या हिसाब का? यहाँ पे जो है आठ आइटम हमारे पास, बीफ में भी है, चिकन में भी है, और मटन में भी है। बीफ जो है बीफ कबाब है, बीफ टिक्का है, चिकन में चिकन बोटी है, चिकन मलाई बोटी, चिकन रेशमी कबाब है, मटन में मटन कबाब और मटन चाप। ठीक है, और आपका रेस्टोरेंट किस एरिया में है, कौन से शहर में? क्वेटा में तो ये चले आगे जगह।
टोकी रोड कोई अगर किसी बंदे ने आना हो तो कोई मशहूर जगह है यहाँ पर जो प्रिंस बर्गर वाला है। प्रिंस बर्गर के साथ चलें, तो प्रिंस बर्गर के साथ है तो अब हम लोग आप लोग के साथ एक सीख कबाब की प्लेट हम लोग के लिए भी लगा दें और हम लोग चेक करके बता दें कि इसका जायका कैसा है। ओके, तो यार जिस तरह हम लोगों ने पिछले रेस्टोरेंट में भी जो है ना वो सूप ले लिया था और यहाँ गाड़ी में बैठ के खाया था क्योंकि वहाँ पर जो बैठने की जगहें थी वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो अगर जो लोग टेस्ट के दीवाने ना वो लोग आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो खाने हैं उनका टेस्ट जो अभी मैंने सूप ट्राई किया वो बेइंतहा मज़े का था और इन टिक्कों की भी मैंने तारीफ़ बहुत सुनी। क्वेटा में बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं लेकिन ये जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं इनके टेस्ट जो लोकल होते हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है, तो वो तो वो जो है ये चीज़ें रिकमेंड करते हैं। तो अब हमारे पास ये आ चुकी है डिश, मैं ज़रा कैमरा स्विच करता हूँ। ओके जी, तो ये हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ये हम लोग आप सीख का साइज़ देख रहे हैं, ये ज़रा अगर मैं आपका हाथ दिखाऊँ तो ये नॉर्मल सीख से बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। ये एक प्लेट कंसीडर करते हैं और इस प्लेट की हम लोगों ने 20 सीख कबाब मंगवाए। यहाँ पर जो बारबेक्यू के रेट्स हैं वो 270 से लेकर 520 तक जाता है, वो डिपेंड करता है आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग ज़रा इसको टेस्ट ट्राई करते हैं और फिर हम लोग आपको बताते हैं कि ये क्या सीन बन रहा है। तो ज़रा मैं दोबारा कैमरा शिफ्ट, थोड़ा सा कैमरे में हम लोग जो है क्वेटा वाले भाई भी आ रहे हैं, क्वेटा वाले भाई अपने आप को थोड़ा सा दिखाएं, काफ़ी देर से शर्मा रहे। ये फवाद साहब हैं जिन्होंने हम लोग को रेकमेंड की हैं ये जगह, और ऑब्वियसली जो जिस भी शहर में आप जाते हैं वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। ये काफ़ी देर से जो है कैमरा शाय और बंदा आने की ना आने की इज्जत कर रहा था लेकिन मैं फिर भी डेटो में लेकर आए उसको। तो चलें अब हम लोग अपना जो ये सीख है इसको ट्राई करने लगे, और मेरे जो रिव्यूज़ हैं ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर ये गंदा हुआ तो मैं गंदा बताऊंगा और अच्छा हुआ तो अच्छा बताएंगे डेफिनेटली। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही जिसे कहते हैं ना गला हुआ गोश्त और ज़बरदस्त किस्म का, और मतलब जो सूप था ना वो अगर मैं कहता हूँ 10 out of 10 था, ये 10 out of 9 है, और शायद वो सूप का जो टेस्ट है ना वो भी अभी तक नहीं निकले मगर बेहतरीन चीज़ है और मस्ट रिकमेंडेड है। अगर आप लोग क्वेटा आते हैं तो इस रेस्टोरेंट से ज़रूर आप लोग ये ट्राई करेगा। अच्छा अब मैं इसको खाने लगा, इसके साथ चटनी मिलती है, ये अमचूर की है, अमचूर कहते हैं कुछ लोग, हम लोग क्वेटा में इसको अमचूर कहते हैं। तो अब इसके साथ हम लोग ज़रा ये ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कितना ज़्यादा बढ़ता है। ज़रा करीब करना कैमरा लोगों का, ज़रा हम टेस्ट करें। चटनी के साथ खाएं 200% इसका टेस्ट बढ़ जाता है, सादे में बहुत ज़बरदस्त, चटनी के साथ 200% अच्छा बन जाता है। तो अब हम लोग जो है ये ख़त्म करने लगे और आज का व्लॉग इधर तक ही था। आई होप यू लाइक द व्लॉग, इफ यू लाइक द व्लॉग काइंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज, क्योंकि ये आज क्वेटा सीरीज की पहली वीडियो थी। इस तरह की और फूड व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले, तो बहुत ज़बरदस्त एक्साइटेड सा माहौल होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड दिस इज मी शाहरुख साइनिंग ऑफ।